लव बर्ड का तो अब होता प्रोग्राम बढ़ गया, बहुत लोग बहुत दोस्त जो है वो वेट कर रहे थे धूप निकलेगी तो रेट ऊपर जाएगा, लव बर्ड बिकने लग पड़ेगा, तेजी आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज की मेरी वीडियो से बहुत सारे दोस्तों को तकलीफ होगी, बहुत सारे लोगों को टेंशन होगी। क्यों टेंशन होगी? मैं आपसे कुछ तल्ख बातें जो है वो करूंगा, हकीकत जो है वो बयान करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों लव बर्ड्स के बारे में आज डिस्कस करूंगा। लव बर्ड का तो आपको पता है प्रोग्राम बढ़ गया, बहुत लोग बहुत दोस्त जो है वो वेट कर रहे थे धूप निकलेगी तो रेट ऊपर जाएगा, लव बर्ड बिकने लग पड़ेगा, तेजी आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज की मेरी वीडियो से बहुत सारे दोस्तों को तकलीफ होगी, बहुत सारे लोगों को टेंशन होगी। क्यों टेंशन होगी? मैं आपसे कुछ तल्ख बातें जो है वो करूंगा, हकीकत जो है वो बयान करूंगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है ना इस बात से तकलीफ होगी। दोस्तों आपने जो है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि भाई आपने बात बिल्कुल ठीक कही है और बिल्कुल सही बात करें। आज की वीडियो का जो हमारा वो टॉपिक है वो ये है कि लव बर्ड का रेट नीचे क्यों आ रहा है, क्या ये ऊपर दोबारा जाएगा कि नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि लव बर्ड का रेट कौन नीचे कर रहा है, मैं आपको उन लोगों का भी बताऊंगा कि किसकी वजह से जो है वो रेट कम हो रहा है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप तक बर्ड से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको मौसूल होती रहे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि लव बर्ड का रेट क्यों कम हो रहा है। जितने भी बड़े ब्रीडर्स हैं, जितने भी बड़े ब्रीडर्स हैं, मैं भी काफ़ी सारे ब्रीडर्स को जानता हूं जो कहते हैं कि जी लव बर्ड का रेट कम कर रहे हैं छोटे ब्रीडर। और वो कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूं। वो कहते हैं जी उनसे वेट नहीं हो रहा, उनकी होल्डिंग पावर नहीं है, वो बर्ड बेची जा रहे हैं, सब्र नहीं कर रहे, रेट कम हुआ है परेशान हो गए बेची जा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। छोटा ब्रीडर जो है उसके पास क्या है? उसके पास अगर 5, 6, 7, 8, 10 जोड़े हैं तो उसके पास ब्रीड क्या आएगी? 10, 12, 15 बच्चे, 20 बच्चे, बस। इससे इन इतने बर्ड से रेट कम नहीं होता भाई। ये रेट बेसिकली बड़े ब्रीडर्स की वजह से कम हो रहा है। और बार बार वो क्या कही जा रहे हैं कि यार छोटा ब्रीडर जो है सबर नहीं कर रहा। मैं खुद बजाते खुद इतने लोगों को जानता हूं और इतने बड़े ब्रीडर्स को जानता हूं जो मुझे बर्ड दे रहे हैं, जो मुझे बर्ड सेल कर रहे हैं। मैं बर्ड उनसे खरीद रहा हूं और क्वांटिटी खरीद रहा हूं, 40-40, 400-400 पीसों की क्वांटिटी खरीद रहा हूं। और वो ये कह भी देते हैं, आगे अक्सर बात होती है तो ये कह देते हैं यार छोटे ब्रीडर की वजह से काम खराब हो रहा है, अपना बर्ड बेची जा रहा है। अपना भी बेची जा रहे हैं, वो अपना बर्ड भी बेची जा रहे हैं, रोक नहीं रहे। क्यों? होल्डिंग पावर नहीं है भाई। होल्डिंग पावर जो है वो बड़े ब्रीडर ने करनी है, छोटे ब्रीडर ने नहीं करनी। जिसके पास क्वांटिटी है वो करे होल्डिंग पावर। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, दोस्तों आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक अल्बाइनो रेड एज की मिसाल देता हूँ। जैसे अल्बाइनो रेड एज का पेयर है, अल्बाइनो रेड एज का पेयर आप 25,000 रुपये का कह लो यार, अभी सेल हो रहा है आराम से बड़ा पेयर, आप 25 का लगा लो, 30 का लगा लो यार, 25,000 रुपये लगा लेते हैं, सही मुनासिब रेट है। इसका बच्चा आपका 7,000 रुपये का बिक रहा है भाई, 3-4 बच्चे देता है। तो आप ये चीज़ ना नोट करो यार, पहले 12,000 का था, 15,000 का था, पहले को छोड़ दो, दफा करो। 25,000 रुपये का अगर जोड़ा है आपके 4 बच्चे भी देता है तो भाई 28,000 रुपये के बच्चे आए थे, आप 25 के लगा लो, दाना पानी निकाल के 20 के लगा लो। मतलब एक ब्रीड में आपके पैसे पूरे होने ही होने हैं। आप उसमें टेंशन ना लो कि यार लव बर्ड का रेट जो है वो नीचे आ गया, खराब हो गया, डाउन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ईजी हो जाए और इंशाल्लाह ताला जो है आपको पता है कि ये डे बाई डे वक्तन फवक्तन जो है म्यूटेशंस नई इंक्रीज होती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा थोड़ा रेट नीचे आ ही जाता है। अब बहुत सारे दोस्त कहते थे, मैं सुन रहा था, हर बंदे से सुन रहा था, लो जी तूफान लगन गियाँ तो रेट उठे चला जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। माशाल्लाह आज 5-6 दिन हो गया, बेहतरीन किस्म की धूप लग रही है, कोई रेट ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन मैं जो इसमें गलती मेन समझता हूँ ना जी, वो बड़े ब्रीडर की गलती है, क्योंकि क्वांटिटी उनके पास है। और अच्छा कई दोस्त ये कह रहे हैं कि लो जी नवा शौकीन डेवलप नहीं हो रहा, नवा शौकीन नहीं आ रहा, नया शौकीन आएगा तो बर्ड बिकेगा। भाई इसमें नए शौकीन के आने की वजह भी नहीं है। नया शौकीन क्या खरीद लेगा आपसे? नया शौकीन खरीदेगा 2, 4, 5, 10, 15 जोड़े, बस इससे ज़्यादा नहीं। आप ये बर्ड जब बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, तो बर्ड का जो है वो रेट बढ़ेगा। जब बर्ड बाहर जाएगा तो रेट बढ़ेगा, क्योंकि बाहर जाता है क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे? 500 पीस, 700 पीस, 1000 पीस, 1500 पीस, 2000 पीस, ऐसे जाएगा और ऐसे रेट ऊपर जाएगा। जब बर्ड, मैं कहता हूँ 100% गारंटी से कहने के लिए तैयार हूँ,
दो फटकियां चले जाए ठीक है, 500 पीसों की सिर्फ 1000 पीस यहाँ से अल्बाइनो एडाइज का जाए ना, अल्बाइनो एडाइज मिलना ही नहीं है और रेट आसमानों पे चले जाना। तो लिहाजा भाई जितने भी नए शौकीन हैं लिहाजा उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ब्रीड करवाएं, मेहनत करें, बर्ड को बेचें सस्ता कीमत में बिकता है, अगर आपका 7000 का भी बर्ड बिक रहा है तो यार बिल्कुल बेहतरीन है, आप बेचो आपको भी एक क्लच में जो है वो आपके पैसे पूरे होंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो लिहाजा वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिलदारी नहीं है, किसी को तंग करना नहीं है, मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि लव बर्ड्स के रेट इंक्रीज रहे, मतलब जितने भी बर्ड्स हैं बड़ी वैरायटी भी है उनके भी रेट इंक्रीज रहे, बढ़ते रहें, जैसे ही जब रेट बढ़ता है तो जितना पिछले साल आपको होता है लव बर्ड के रेट बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से काम भी बहुत अच्छा हुआ है, बर्ड्स रखने वालों को फ़ायदा हुआ है, तो लिहाजा आप इसमें परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला रेट बेहतर हो जाएंगे और ये रेट से निकाल देंगे धूप निकलेगी तो रेट बढ़ेगा, ये होगा तो होगा, सिर्फ एक हल है, सिर्फ यही हल है कि बर्ड बाहर जाए क्वांटिटी तो रेट बढ़ेगा, अदरवाइज रेट इसका नहीं बढ़ेगा, यही रेट रहेगा, अगर यही रेट रहे तो तब भी आपको कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट में बताना जरूर है, और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हो तब भी आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि इंशाल्लाह इस अगर आपकी कोई बात हो हमें भी उससे नॉलेज हो, कोई अच्छी बात कर देता है भाई को, दोस्त अच्छी बात करता है यार उसे पता लगता है कि हाँ यार इसने टॉयलेट बात की है तो अच्छा लगता है और हमें भी फायदा होगा, बाकी लोगों को भी फायदा होगा। इसके बाद यार मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त, इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में हाजिर होंगे, अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।